आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि ड्रामेटिक ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में। कमिंग अप। हाय एवरीवन, मैं हूँ हर्षवर्धन और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक नॉर्मल कलर्ड इमेज को सुपर ड्रामेटिक ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट दे सकते हैं फोटोशॉप में। मोस्टली हम कलर्ड इमेज तो क्रिएट करते ही हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप एक ब्लैक एंड वाइट क्रिएट करें इमेज, और वो भी एक ड्रामेटिक ब्लैक एंड वाइट, तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो वो सब हम सीखेंगे, वो सारी टेक्निक आज के एपिसोड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे फिर लाइटरूम हो, चाहे वो बेसिक से एडवांस लेवल की हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप सिर्फ फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप स्किन रीटचिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप फैशन फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, पोर्ट्रेट एडिटिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप लैंडस्केप एडिटिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप एडवांस फोटो मैनिपुलेशन सीखना चाहते हो, तो इन सब के लिए मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स हैं, जो कि अभी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर harshvardhanart.com पर, और वो अवेलेबल है udemy.com पर। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप उसको ह्यूज डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं और इस चैनल की हेल्प कर सकते हैं। मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स का फायदा यह है कि आपको वहां पर मिलेगी पर्सनल अटेंशन। आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर आप स्टक हो जाते हो, कहीं पर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो वहां पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर दूंगा। आप वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं प्रोफेशनल लेवल की। यहाँ पर हो सकता है मैं थोड़ा सा डिले कर दूं, हालांकि मैं यहाँ भी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम ट्यूटोरियल्स खरीदते हैं, तो उसमें आपका टाइम बचता है और आपको साथ ही साथ लर्निंग में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि वो मेरे ट्यूटोरियल्स बहुत ही इन डेप्थ होते हैं। और अगर आप मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स को परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर भी फ्री में ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ हर वीक। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को इससे बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फर्स्ट ओपन अप दिस इमेज इन कैमरा रो, एंड कैमरा रो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें पहले सबसे पहले हम करेंगे ऑटो, और ऑटो करने के बाद हम इसका एक्सपोजर वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करते हैं, और शेडोज़ को थोड़ा सा ओपन अप कर देते हैं, और ब्लैक्स को इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा इस साइड में, और वाइट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्लैरिटी थोड़ी सी अप कर देते हैं, वाइब्रेंस थोड़ा सा अप कर देते हैं, और सैचुरेशन हल्का सा अप, प्लस टू, दैट्स फाइन। फिर हम आते हैं डिटेल्स पैनल में, यहाँ पर मास्किंग के स्लाइडर को ओल्ट और ऑप्शन प्रेस करके यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे, जब तक कि हमें एजेस दिखाई ना दे, ताकि शार्पनिंग हमारी सिर्फ एजेस पे अप्लाई हो। शार्पनिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, फिर ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, जो कि स्किन को सॉफ्ट कर देगा और इसमें जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है उसको रिमूव कर देगा। तो आप देखिए, ये था ल्यूमिनेंस, और ये देखिए ल्यूमिनेंस जब हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, कलर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें, फिट इन व्यू कर दें। फिर आते हैं यहाँ पर HSL पैनल में, और यहाँ पर आते हैं हम ल्यूमिनेंस में। ल्यूमिनेंस में इसको रेड को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे लाइटर की साइड, और ऑरेंज को भी, और फिर येलो को भी, और फिर आते हैं हम अपना सैचुरेशन में। ऑरेंज की सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रेड की थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और फिर आते हैं अपना हम अनेबल प्रोफाइल करेक्शन में, और इससे क्या होगा कि जो लेंस की डिस्टॉर्शन वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर एफएक्स में आते हैं, और एफएक्स में हम ये पोस्ट क्रॉप विनियटिंग इफेक्ट इसमें डालेंगे, और हम इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि हमारा मेन फोकस है जो कि इमेज मेन गर्ल पर रहे, ठीक है, मॉडल पर रहे। और फिर आते हैं हम इसमें अपना ये कैमरा कैलिब्रेशन में, और फिर यहाँ पर हम प्ले करेंगे इन चीज़ों में ट्रेड की साइड, और तो ट्रेड को हम देखते हैं थोड़ा सा इसकी साइड,
पिंक साइड में और फिर ग्रीन प्राइमरी को लेट्स से थोड़ा सा इस साइड लेते हैं ओके, और ब्लू प्राइमरी को हम लेंगे इस साइड। तो देखिए स्किन कैसी अजीब सी बन गई, लेकिन हमें इतनी नहीं करनी है, हमें ऑरेंज और इस तरह का इफेक्ट डालना है थोड़ा सा। बाकी ये इफेक्ट अभी काम का नहीं है क्योंकि हम इस इमेज को अल्टीमेटली ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इसको पी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको ये शो कर देगा बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम प्रेस करेंगे ओपन इमेज और ये देखिए हमारी इमेज ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम इसके एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे कंट्रोल जे कमांड जे प्रेस करके, और फिर यहाँ पर हम आते हैं एडजस्टमेंट्स में। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और एडजस्टमेंट्स में आएंगे हम। यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में आने के बाद पहले मैं लेयर्स को यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि मेरी सारी लेयर्स यहाँ रहें, ताकि मैं इसको आसानी से एडिट कर सकूँ। ओके, और फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट है हमारी ब्लैक एंड वाइट की, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट क्रिएट हो गई और हमारी इमेज अब ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब कंट्रोल एस दबाकर हम इसको क्विकली सेव कर लेते हैं और ओके। और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ प्रीसेट्स हैं, हम चाहें तो इनको यहाँ से दूसरे सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू फिल्टर, और अगर डाउन एरो की दबाएंगे आप तो ये टॉगल होता जाएगा डिफरेंट में। ये डार्कर हो गया, ये ग्रीन फिल्टर हो गया, ये हाई कंट्रास्ट, और ये तो इस तरह से आपको जो भी सही लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ और फिर अब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इससे, तो रेड को और येलो को और ग्रीन ओके साइन ब्लू, तो जो भी कलर अवेलेबल होगा आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें ये अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ यही है। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस बैकग्राउंड को भी ब्लैक करेंगे, इसकी ड्रेस को भी ब्लैक करेंगे ताकि ये हमारा बहुत ही अच्छा इफेक्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक कर्व्स एडजस्टमेंट। तो कर्व्स एडजस्टमेंट ये हो गई हमारी, और फिर यहाँ से क्लिक करके हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब तक कि हमें थोड़ा ब्लैक ना दिखाई दे, फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करेंगे इनसाइड की तरफ, और देखिए अब हमें सिर्फ ब्लैक ही दिखाई दे रही है हमारी जो ये बैकग्राउंड है, इसको हमने सारे को ब्लैक कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब ये अप्लाई हो गया है पूरे पर, लेकिन हमें पूरे पर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम ये मास्क को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, और ये ब्रश टूल हमारी जो ब्रश होगी वो सॉफ्ट एज ब्रश होगी, जीरो हार्डनेस, और यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 50% कर देते हैं, और मेक श्योर यहाँ पर जो ब्लैक कलर है, ये जो फोरग्राउंड कलर है, ये ब्लैक होना चाहिए। अगर ये ब्लैक नहीं है तो ये हमारा विजिबल, हम पेंट नहीं कर पाएंगे, इसको हाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये करने के बाद अब हम इसकी ब्रश की साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट करके, और फिर देखिए यहाँ पर हम इसके फेस पर ऐसे पेंट करते जाएंगे तो वहाँ से ये जो इफ़ेक्ट है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जगह ये इफ़ेक्ट रह जाएगा। ये करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को लो कर देंगे 1%, 20%, और फिर यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करेंगे हेयर्स पे भी, ताकि हमें हेयर्स के हेयर्स विजिबल हो जाएं थोड़ा सा, और ये ईयर। ठीक है, ईयर से भी हम इसको रिमूव करेंगे, और इसको बेसिकली आपको रिफ़ाइन करते जाना है ताकि ये अच्छा लगे और ये नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने इसको बाद में किया है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप एक्स फ्लिप करेंगे तो ये कलर वाइट में हो जाएगा, और आप क्विकली जहाँ पर आपने एक्सीडेंटली पेस्ट कर दिया है आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे है। अब हम इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करेंगे, तो एक्स फ्लिप करेंगे और ये वाइट कलर हो गया फोरग्राउंड कलर, और फिर हम यहाँ पर पेंट कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा इस तरह का ये हमारा इफ़ेक्ट यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, हमें बेसिकली बैकग्राउंड को ब्लैक ही कर देना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी
इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। ओपेसिटी इंक्रीज कर लेते हैं 50%, और फिर यहाँ से हम पेंट करते हैं। ये जो एज है वाइट दिखाई दे रही है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ये यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये अब इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है हमारा, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 20% करके देखते हैं यहाँ पर कैसा लगता है नेक की साइड में, यहाँ पर वैसे ही डार्कनेस है, ऑलराइट, ठीक है। और ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ से हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ये इफ़ेक्ट तभी अच्छा लगता है जब इसमें आपको बैकग्राउंड विजिबल ना हो, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा टाइम लगा के और रिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया, अब यहाँ से थोड़ा सा हैंड्स पे हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी, ड्रेस पे से भी, ताकि थोड़ी सी हमें यहाँ पर और डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाए, ठीक है। और इसको या फिर इसको हाइड ही कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो अभी ये इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं रिजल्ट हमारा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी अगर आप चाहें तो, लेकिन हमें सिर्फ डार्क रखना है, बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, तभी ये थोड़ा इफ़ेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्किन को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो एक बार हम इसको ऑफ कर देते हैं, हम इसी वर्क पर डायरेक्टली काम करेंगे। तो ये जो हमारी लेयर हो गई, ठीक है, इस लेयर पर अब पहले एक न्यू ब्लैंक लेयर क्रिएट कर लेंगे, और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे हम, ये वाला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये बहुत फास्ट काम करता है। और मेक श्योर यहाँ पर सैम्पल ऑल लेयर्स आपने चेक किया हुआ है, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा ब्लैंक लेयर पर, अदरवाइज आपको एक लेयर पर ही काम करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रैंडेड हेयर्स है, बस आपको सिंपली पेंट करते जाना है जगह जगह पर, और ये उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं पर भी, तो आप उन स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैंडेड हेयर्स हैं, इनको आप रिमूव कर दें, ठीक है, तो थोड़ा बेहतर लगेगा पोर्ट्रेट हमारा। ओके, अब हम लेंगे पैच टूल। तो पैच टूल के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये पैच टूल सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट अवेयर, और यहाँ पर हम एक नई ब्लैंक लेयर ले लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये एरिया, और इसको यहाँ पर ट्रैक करेंगे। तो देखिए ये चीज़ गायब हो गए हेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्विकली थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिफाइन करते जाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है जैसे ये कहीं पे डार्कनेस ज़्यादा हो गई, कहीं पे लाइटनेस, तो वो भी आप इसको बार बार पेंट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ये एक जैसा दिखाई दे, ठीक है। बाकी ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिखाई देगा, अभी ये सिर्फ हमें कलर है तो इसलिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम लगा के फिक्स कर सकते हैं, मैं क्विकली कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा इसके अंदर कहीं शार्प एजेस अगर आपको नज़र आ रही हैं तो उनको आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इरेजर टूल लेंगे, और इरेजर टूल लेकर हम यहाँ से उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसकी हार्डनेस 0% कर लेते हैं, ताकि ये एक तरह से मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। यस,
ठीक है, अब ये थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है, यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये अब ऐसा दिखाई देगा, ये क्योंकि हम अभी एडिट कर रहे हैं तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। एक और नई ब्लैंक लेयर क्रिएट करते हैं, ब्रश टू लेंगे सॉफ्ट एज ब्रश, और यहाँ पे ओपेसिटी इसकी ले लेंगे हम 10% और फ्लो 100%, और आई प्रेस करके या कंट्रोल दबा आई ऑल्ट दबा के हम सैंपल ले लेंगे इस एरिया का, ठीक है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा पेंट कर देंगे ताकि ये स्किन एक दूसरे के साथ मैच हो जाए, और एक दूसरे का सैंपल लेके यहाँ पर पेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको हमें डार्क पेंट करना होगा ताकि ये सही से मैच हो जाए। थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं इसको, ओके। तो ये अब हमारा ऐसा हो गया। अब आप देखिए इसमें ये आपको बाद में विजिबल नहीं हुआ जब हम इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे। अब एक मर्ज कॉपी क्रिएट करेंगे हम सबकी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाकर, और फिर हम चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, या फिर मैं अभी एक प्लगइन है वो यूज़ करता हूँ। तो हम जाएंगे फिल्टर पर, निक कलेक्शन पर, और कलर एफएक्स प्रो 4 इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारा लोड हो जाएगा। ये मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अभी ये DXO ने परचेज कर लिया है तो ये उसको पे कर रहे हैं। आप ये पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो कि फ्री है। और फिर यहाँ पे आते हैं हम डायनेमिक स्किन सॉफ्टनर पर, और यहाँ से लेके एक सैंपल ले लेंगे हम स्किन का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उप्स यहाँ से हम दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जूम इन करिए 100% और लेट्स मेक इट 50%, यहाँ से 50% सेलेक्ट कर लिया, और कंपेयर आप करके देख सकते हैं कि ये बिफोर एंड आफ्टर, इसने स्किन को स्मूथ कर लिया। बहुत ही इजी वे है स्किन स्मूथनिंग का। और फिर ओके प्रेस कर देंगे और ये अब थोड़ा सा अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर सिस्टम और कितनी हैवी आपकी फाइल है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, अब देखिए स्किन कितनी स्मूथ हो गई है, कितनी बढ़िया हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने ब्लैक एंड वाइट लेयर्स हमने क्रिएट की थी हम उसको ऑन कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा आईज पे हम वर्क कर लेते हैं, ओके। तो उसके लिए एक ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे, ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके अब हम जूम इन कर लेंगे आईज पर और यहाँ पर हम पेंट कर देंगे, ठीक है। ओपेसिटी को इसकी 100% ले लेते हैं, और यहाँ से जहाँ पर भी आपको ये लाइट दिखाई दे रही है या आयरिश बन रही है आपको वहाँ पर पेंट करना है। तो ये कुछ इस तरह से पेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये करने के बाद अभी देखिए ये स्केरी सुपर स्केरी आइज बन गई। अब हम इसको फिक्स करेंगे, यहाँ से लेयर ब्लेंड मोड इसका चेंज कर देंगे ओवर लेयर में, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नेचुरल लग रही है और लाइज में थोड़ा सा स्पार्क आ गया है और लाइट आ गई है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एडिट पर्च, मैं इसमें सारी अपनी मेमोरीज हटा देता हूँ ताकि मेरी रैम बची रहे और मैं काम कर पाऊँ। अगर आप ये कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए आप ये हिस्ट्री है एकदम गायब होगी, अब कोई भी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। तो अब हम करेंगे ब्लैक एंड वाइट लेयर को ऑन और फिर ये दूसरी वाली डार्क को भी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से अब आपको दिखाई दे गया होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, ब्रश टूल ले लेंगे और 100% ओपेसिटी, मेक श्योर ब्लैक कलर हो यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे, ठीक है, फेस पर्पस, क्योंकि हमने पहले 50% किया था और स्किन को हमने बाद में रिटच किया। अगर आप स्किन को पहले रिटच करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी देखिए थोड़ा सा कई जगह से मुझे सही नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं अब दोबारा इस पर पेंट कर रहा हूँ और फेस में हमारी और हेयर्स में लाइट हमारी पूरी रहे, ठीक है।
तो ये देखिए अब आ गया हमारा। अब हम क्या है इसको और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, और रिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे डोज एंड बर्न टूल को। और यहाँ से भी देखते हैं, ओप्स, इसको थोड़ा सा इसको, ओके तो ये हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट हो गया है। अब हम डोज एंड बर्न चूज करेंगे। डोज एंड बर्न के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, एक ये कर्व्स एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे और इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और फिर इसको कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देंगे। फिर दूसरी लेंगे, एक और कर्व्स एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे और क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे डार्कर साइड की तरफ, समथिंग लाइक दिस, ताकि ये डार्क हो जाए। और इसको भी कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देंगे। अब हम पहले नीचे वाली सिलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल से मेक श्योर इस टाइम ओपेसिटी 10% हो। और फिर हम जहाँ पर भी आपको, उप्स, यहाँ से वाइट कलर लेके जो भी जहाँ पर भी आपको हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं वहाँ पर आप बस पेंट करते जाना है, तो ये वहाँ पर विजिबल हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम थोड़ा सा डिटेल्स को और एनहेंस कर सकते हैं और थोड़ी सी इन डेप्थ हमारी, डेप्थ हमारी इसके अंदर, इमेज के अंदर आ जाती है और हमें इससे पेंटरली लुक भी मिलता है। तो इससे जो मेकअप वगैरह है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। और एक्स दबा के आप ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, ताकि आपने जहाँ पर पेंट कर दिया है वहाँ से एक्सीडेंटली अगर पेंट कर दिया, आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको सभी जगह जहाँ भी हाइलाइट्स दिखाई दे रही है वहाँ पर पेंट कर दीजिए। ये बहुत ही सटल इफ़ेक्ट है, लेकिन आप देखिए इससे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। इस इफ़ेक्ट में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है अल्टीमेटली वो बहुत ही बढ़िया आता है। और ये आयरिश हैं, इन पे भी आप और ज़्यादा कर दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा और एनहेंस हो जाए आईज़ हमारी, ठीक है। और ये हमने मोटा मोटा कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको ऑफ एंड ऑन करके इतना डिफरेंस हुआ है। अब ब्लैक वाली ले लेते हैं, तो इससे हम करेंगे बर्न। तो इसके लिए हमारी जो भी शेडोज़ हैं जहाँ पर भी, तो हम वहाँ पर पेंट करेंगे, ठीक है। जो भी शेडो एरियाज़ हैं जहाँ पर भी डार्कर पार्ट है उसको हम पेंट कर देंगे, तो ये और इसके अंदर डिटेल्स आ जाएगी हमारी, एनहेंस हो जाएगी इमेज। और इससे हम शेप भी दे सकते हैं नोज को, आईज को, बेसिकली फेशियल शेप हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप की नॉलेज है तो इससे आप एक तरह से डिजिटल मेकअप भी कर सकते हैं, इससे फेशियल फीचर और एनहेंस हो जाती है। और ब्रश साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। बस यही है कि इस इफ़ेक्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है।
तो ये देखिए अब ये हमारा हो गया है, आप ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें और फिर देखिए आप डिफरेंस दोनों में, ठीक है। और इससे अगर ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं तो ये थोड़ा सा और नेचुरल हमें लगता है, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, ब्लैक कलर लेके, और ये ओके ऑलराइट, ये थोड़ा सा इस तरह से पहले हम इसको ऑफ करके देख लेते हैं ब्लैक एंड वाइट लेयर को, ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्टली ये है कैसा। ओके तो यहाँ पे अब हम दोबारा पेंट करेंगे। और फिर ऑन कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके कैसा लगता है, ठीक है। जी देखिए अब ये सही लग रहा है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको चाहें तो हम थोड़ा सा क्रॉप भी कर सकते हैं, तो क्रॉप करने के लिए सी दबाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से हम क्रॉप कर देते हैं इसका, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमारा ये देखिए इस तरह का रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा सा अब इसमें एक बार और थोड़ी डार्कनेस हम क्रिएट करते हैं, तो एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला हमारा ब्राइटनेस और एक्सपोजर वाला, ये वाला, और इसमें ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोजर, ऑफसेट और गामा को करेक्ट करने का। तो ऑफसेट से हम थोड़ा सा लाइट इंक्रीज करेंगे और ऑफसेट से इसमें हम, आप देखिए फेडेड इफेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डार्क ही रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। और गामा से ये बेसिकली मिड टोन को इफेक्ट करता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये मिक्स लगे इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे तो सही नहीं लगेगा। ओके तो ये देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा इसमें हमारी लाइट कम हो गई और थोड़ा सा मिक्स हो गया है ये। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेन, ग्रेन डालने से ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई ओके दबा के एक हम लेयर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्टैम्प लेयर हो गई और फिर हम क्रिएट करेंगे एक नई ब्लैंक लेयर और शिफ्ट बैकस्पेस दबाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 50% ग्रे और प्रेस कर लेंगे ओके, और चेंजेस लेयर ब्लेंड मोड टू ओवरले, ओवरले कर लेंगे, फिर फिल्टर नॉइस और ऐड नॉइस, और यहाँ पर हम नॉइस का अमाउंट रखेंगे बहुत ही कम, और मेक श्योर मोनोक्रोमेटिक आपने ऑन किया 2.5, तो आप जूम करके देख सकते हैं ओके, इसको 1.5 कर देते हैं, ठीक है, और ओके करेंगे और जूम इन करके देखेंगे कि ये ग्रेन कितना इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कम है, अभी एक बार फिर अप्लाई करते हैं ऐड नॉइस, फिल्टर ऐड नॉइस, तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा हमारा ग्रेन इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको स्पॉट दिखाई दे रहा होगा,
जो कि सही नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम एक और ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे। ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ओपेसिटी 110% और यहाँ पर पेंट कर देंगे ताकि ये मैच सा हो जाए। यहाँ से लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर और ये सैंपल लेते हुए एक दूसरे की साइड ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे ग्रेन से ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे और ओपेसिटी इसकी हम लो कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ओके। और ये एरिया आपको अगर थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है तो आप इसकी डार्कनेस को कम कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में जाएंगे, कर्व्स एडजस्टमेंट, और यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे समथिंग लाइक दिस और कंट्रोल आई दबाएंगे और ब्रश टूल लेके वाइट कलर से अब यहाँ पे 50% ओपेसिटी ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर देंगे ताकि ये इस साइड से थोड़ा सा डार्क दिखाई दे, ठीक है। अब हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे, लेट्स से ग्रेडियंट लेयर, एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं और ये हमारा ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट होगा या एक साइड से ट्रांसपेरेंट होगा, तो हम इसमें यहाँ पर वाइट कलर ले लेंगे, ठीक है। और इस कलर को ले लेते हैं वाइट, प्योर वाइट, ओके। और फिर ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से इसका चेंज मोड कर देंगे हम लीनियर से रेडियल ताकि ये हमारी लाइट यहाँ पर रहे फेस पर, ठीक है, इस तरह से। और इसकी जो है स्केलिंग वो हम कम कर देंगे ताकि ये लाइट हमारी सिर्फ फेस पर ही रहे, समथिंग लाइक दिस, ओके। और ओके प्रेस करेंगे, फिर इसका लेयर ब्लेंड मोड को चेंज कर देंगे सॉफ्ट लाइट से। अब ये देखिए फेस पर हमारी शाइनिंग आ गई है और इसको हम थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, अगर ज़्यादा लग रही है आपको लाइट तो और भी कम कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करके ब्लैक कलर सिलेक्ट करके यहाँ पर भी पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सिर्फ हमारा आईज पर ही यानी कि फेस पर ही हमारा इफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। और अब आ गई है बात शार्पनिंग की, तो फाइनल के लिए हम कंट्रोल और शिफ्ट ई दबाकर एक स्टैम्प कॉपी क्रिएट करेंगे और क्विकली सेव कर लेते हैं इमेज को और लेयर ब्लेंड मोड यहाँ से हम इसका चेंज कर देंगे लीनियर लाइट पे, तो यहाँ से लीनियर लाइट और यहाँ से फिल्टर अदर और हाई पास चूज करके यहाँ से रेडियस चूज करेंगे 1.2 या फिर 1.5, इतना बेस्ट रहता है जहाँ पर भी पर्सन की इमेज है। और ओके कर लेंगे और जूम इन करके हम देखेंगे इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट हम देखिए अब हमारी स्किन में कितना सारा टेक्सचर आ गया प्लस हमारी आईज़ वगैरह सब शार्प हो गए। अब कंट्रोल जे दबाकर एक और डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, लेकिन अब ये देखिए इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं चाहिए, तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट और क्लिक करेंगे इस मास्क आइकन पर तो एक ब्लैक मास्क क्रिएट हो जाएगी। अब ब्रश टूल लेंगे और सिर्फ हम पेंट करेंगे आईज़ पर और 50% ओपेसिटी ले लेते हैं, तो ये हमारी आईज़ इससे हम और ज़्यादा शार्प कर देंगे क्योंकि आईज़ ही ऐसी चीज़ होती है पोर्ट्रेट में जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो व्यूवर्स के अटेंशन को कैप्चर करती है। और आप हेयर्स में भी पेंट कर सकते हैं थोड़ा सा ताकि हेयर्स भी और अच्छे हमारे हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इसने और ज़्यादा हमारे को शार्पनिंग दे दी। अब देखिए एक थोड़ा सा स्पॉट यहाँ पर रह गया, तो एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, क्लोन स्टैम्प या स्पॉट हीलिंग ब्रश टू ले लेते हैं ये वाला और यहाँ पर पेंट कर देते हैं, तो देखिए इसने फिक्स कर दिया ऑटोमेटिकली। सो कंट्रोल जीरो दबाकर आप इसको छोड़ सकते हैं और ये हमारा फाइनल इफेक्ट हो गया है। मैं सबको सारी लेयर्स को कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देता हूँ, ये हमारी एडिटिंग हो गई आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट फाइनल रिजल्ट आ गया है, ये हमारा बिफोर था और ये आफ्टर।
सो थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया तो हिट द डिसलाइक बटन। अगर मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। वंस अगेन, आप मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो बहुत ही इन डेप्थ होते हैं, प्लस में उनमें आपको मिलती है पर्सनल अटेंशन एंड सपोर्ट ताकि आप अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकें। तो उन सबका डिस्काउंटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप शूटिंग एंड अनलीश द क्रिएटिव इन यू। बाय बाय।